हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्योरेन में। और आज हम आपको बताएंगे कच्चे दूध के बारे में, होने वाले फ़ायदों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कच्चा दूध बिना उबले दूध को ही कहते हैं और ये त्वचा के लिए बेहद ही उपयोगी भी है। दूध के उबालने पर उसके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। बता दें कि दूध में विटामिन बी, प्रोटीन, मिनरल सभी प्राकृतिक रूप में मौजूद होते हैं। अगर दोस्तों हम कच्चे दूध को त्वचा के लिए उपयोग में लाते हैं तो ये स्किन को नमी देता है और उसकी सुंदरता को भी निखारता है। दूध में लैक्टिक एसिड होता है जो चेहरे को गोरा करने में मदद करता है। दोस्तों ऐसे तो दूध को अकेले ही प्रयोग में लाया जाता है, अगर उसमें कुछ और चीज़ें मिला दी जाएं तो इसकी उपयोगिता और बढ़ जाती है। तो आइए हम आपको बता दें कि हम इसे कैसे उपयोग में ला सकते हैं। नंबर एक, शहद और दूध क्लींजर, यानी कि चेहरे में छिपी गंदगी या मैल को साफ करने के लिए दूध में शहद को मिलाकर लगाएं, क्योंकि शहद त्वचा के लिए टॉनिक का काम करता है, जिसे खाने से और लगाने से स्किन ग्लो करने लगती है। नंबर दो, कच्चे दूध के साथ हल्दी और दलिया। वहीं चेहरे के फोड़ी फुन से और त्वचा संबंधी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए और चेहरे पर गुलाबीपन लाने के लिए कच्चे दूध में दलिया को मिलाकर अपने चेहरे पर लगाने के बाद इसे 8 से 10 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ दें। ऐसा करने से चेहरे के दाग धब्बे तो दूर होंगे ही और कुछ दिनों में चेहरा फूल की तरह खिल जाएगा। नंबर तीन, पपीता और दूध। पपीते में एक प्रकार का एंजाइम होता है जो कि डेड स्किन को निकालकर चेहरे के दाग धब्बों को दूर कर देता है। अगर आपके चेहरे पर झुर्रियाँ, दाग धब्बे हो तो पपीते का गूदा निकालकर उसे कच्चे दूध में मिलाकर अच्छी तरह से फेंट लें। जब इसका अच्छा गाढ़ा सा लेप तैयार हो जाए तो इसे अपने चेहरे पर 10 मिनट तक लगा रहने दें। जब ये सूखने लगे तो फिर इसे हाथ से थोड़ा सा दूध लेकर हल्के हल्के से चेहरे की मसाज करते हुए चेहरे को पानी से धो लें। आप थोड़ी देर में एक अच्छी सी चमक अपने चेहरे पर देखेंगे। जी हाँ, तो दोस्तों ऐसी ही हर जानकारी को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हर अपडेट को तुरंत पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यह है क्योरेन न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।